बसलेल्या कारवायांच्या मुद्द्यावर आणि नेत्यांवरही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाष्य केलंय. भ्रष्टाचारी नेत्यांवरील कारवायांमुळे तपास यंत्रणांना बदनाम केलं जात आहे, ते नेते न्यायालयावर विश्वास ठेवत नाही अशी टीका मोदींनी केली आहे. धर्म आणि प्रांतवादाशी या कारवायांना जोडलं जात आहे, तर अशा भ्रष्टाचाऱ्यांना दूर करण्याचं आवाहन नरेंद्र मोदी यांनी केलंय. कोर्टाचे निर्णयही धर्म आणि जातीसोबत जोडले जात आहेत आणि अशा भ्रष्टाचाऱ्यांना समाज आणि जातीतून दूर करा असंही मोदी म्हणाले. जो निष्पक्ष संस्थाएं हैं, जो पूरी तरह इंडिपेंडेंट है, वे अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो ये लोग और उनका पूरा इकोसिस्टम अब भ्रष्टाचारियों की रक्षा करने के लिए उन संस्थाओं को बदनाम करने के लिए मैदान में आ गए हैं. ये देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि घोटालों से घिरे लोग एकजुट होकर अब अपनी इकोसिस्टम की मदद से इन संस्थाओं पर ही दबाव बनाने लगे हैं. जांच एजेंसियों को रोकने के लिए ये लोग अपने इकोसिस्टम के साथ मिलकर नए नए तरीके खोजते हैं. इन लोगों को देश की न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं है. पहले हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करो, फिर जांच भी नहीं होने दो, और जांच करे तो उस पर दबाव बनाओ, ये इन लोगों की प्रवृत्ति है. ये लोग किसी भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई होते ही उसे धर्म का रंग देते हैं, प्रदेश का रंग दे देते हैं, जाति का रंग देने लगते हैं. ये नए तौर तरीके शुरू हुए हैं. किसी माफिया के खिलाफ अदालत कोई फैसला सुना देती है तो भी उसे ये लोग धर्म और जाति से जोड़ देते हैं. ऐसे में भारत के मैं सभी संप्रदायों से आग्रह करता हूं, मैं सभी जाति पे गर्व करने वाले ईमानदार लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, उन सबको सोचना होगा कि ऐसे भ्रष्टाचारियों, ऐसे माफियाओं को अपने समाज से, अपने संप्रदाय से, अपनी जाति से दूर करने की हिम्मत करें. पॉलिटिकल ज्ञानियों ने कहा था 2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो उस ज्ञानियों ने कहा था कि भाई 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था. मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं.